फतेहाबाद की नई अनाज मंडी में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्कूली बच्चों ने योग दिवस के अवसर पर यहां योगा किया और स्वस्थ रहने की शपथ ली। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अनुसूचित जनजाति वित्त विभाग की चेयरपर्सन सुनीता दुग्गल ने की। कार्यक्रम में बीजेपी के जिला प्रधान वेद फुला सहित स्थानीय स्तर के अन्य नेतागण भी उपस्थित रहे। सुनीता दुग्गल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने योग के जरिए पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया है। आज पूरी दुनिया इसका लोहा मान रही है। उन्होंने कहा कि योग अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ एकता का पाठ भी पढ़ाता है। कि ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधान सेवक के रूप में शपथ ली थी, तभी उन्होंने मन में ये सोच लिया था कि हमें भारत को विश्वगुरु बनाना है और वसुधैव कुटुंबकम जो है, जो हमारे भारत की एक संस्कृति है, उसको पूरा करके दिखाना है। और मुझे लग रहा है कि वो हम लोग इस चीज़ में कामयाब भी हुए, हमारे प्रधानमंत्री जी कामयाब हुए हैं, क्योंकि 21 जून को ये चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो कि पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। वसुधैव कुटुंबकम का यही मतलब है कि सबके सब एक ही समय में एक ही तारीख को इकट्ठे हों और एक अपने आप को जो है वो योग करके परमपिता परमात्मा से जोड़ें, अपने शरीर को जो है वो स्वस्थ करें और आसन करते हुए और एक योग के तहत जो है वो अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ें। मुझे लगता है कि हम इस चीज़ में कामयाब हुए हैं, तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से आज हम सब जो हैं स्वस्थ की तरफ बढ़ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी जो हैं, उन्होंने भी पूरे हरियाणा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है कि योग जो है वो पूरे तन्मयता के साथ और पूरे जोश खरोश के साथ पूरे के पूरे प्रदेश के अंदर मनाया जाए। तो मैं सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आज जो है चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है पूरे विश्व के अंदर मनाया जा रहा है और इसकी मैं कहूँगी कि इसका सहरा जो है वो भारत को बनता है। हिंद एक्सप्रेस के लिए फतेहाबाद से जितेंद्र मोंगा की।